Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनसे मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि वो क्योंकि लास्ट मेंबरशिप मेरे ख्याल से लगभग 6 साल पहले हुई थी 2012 में मेंबरशिप हुई और 2012 से लेकर अभी तक एक लंबा समय बीता है बहुत सारे साथी इलेक्टेड हैं फिर उसके बाद नए साथी भी आए जो भी लोग काम कर रहे थे बूथ के साथ ही प्रमोट होकर ऊपर आए और उनके जो परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर हमने काम किया और मैं गर्व के साथ कहता हूँ इस बात को कि दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस में ईसी के भी हमारे साथी यहाँ पर हैं मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी यूथ कांग्रेस की आपने यूनिट्स चलती हुई देखी होंगी सबसे ताकतवर यूनिट दिल्ली की रही हर दिन इन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज भी क्योंकि बहुत लंबा अरसा सर बीता फिर भी इतने सालों बाद भी आप हर दिन जब भी टीवी देखेंगे कोई भी अगर मुद्दा होगा कोई रिएक्ट करे ना करे किसी की प्रतिक्रिया आए ना आए दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के साथियों का हर दिन रिएक्शन हमारे सामने आता है हर दिन वो बैरिकेडिंग पे चढ़ते हैं हर दिन पुलिस से लड़ते हैं हर दिन मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं ये लोगों की ताकत है दिल्ली के लोगों की आज हम 6 साल के बाद मेंबरशिप में जा रहे हैं तो मैं इससे पहले निवेदन करूंगा कुंटू जी से कि मैं कुंटू जी से निवेदन करूंगा कि वो सब लोगों से बात करें और अपने अनुभव एक्शन में होनी चाहिए थी वो पूरी पारदर्शिता हमें नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं छुटपुट ऐसी घटनाएं हुई कि जिनकी वजह से बहुत सारे विधानसभाओं में या लोकसभाओं में दोबारा चुनाव कराने पड़े थे तो हम ये उम्मीद करेंगे आदरणीय इलेक्शन कमिश्नर साहब और पीआरओ साहब के नेतृत्व में इस बार बहुत ही साफ सुथरा और मजबूत चुनाव लड़ा जाएगा ताकि हमारा जो भी युवा कांग्रेस का साथी ईमानदारी से मेंबरशिप करेगा और चुनाव लड़ेगा उसका हक कहीं ना कहीं उसे मिले वो मजबूती से चुनाव लड़े और जीते ये हमारी है। और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में जो प्यार हमें हमारे नेतृत्व से मिला चाहे आदरणीय अशोक तंवर जी हो चाहे राजीव सातव जी हो चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा परार जी हो चाहे हमारे दिल्ली के प्रभारी रहे विकास उपाध्याय जी हो अनिल धनतोड़ी जी हो चाहे हमारे हर्षवर्धन श्याम जी हो चाहे हमारे भाई सीताराम लांबा जी हो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी थोपी जा रही है हमेशा सभी ने आदरणीय सूरज हेटकड़े जी चाहे हो सभी ने हमें बहुत प्यार से एक भाई की तरह हमें जो दिशा निर्देश दिए हमें हमारे दुख में सुख में हमारे खुशी में हर चीज में हमारा नेतृत्व हमारे साथ खड़ा रहा तो मैं उसके लिए पुनः अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी प्रभारी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी थोपी जा रही है जो भी मेरे नौजवान साथी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लड़ने की तैयारी में है मेरी उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा अपने उन साथियों से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है कि साथियों तूफानों से आप मिलाओ भारतीय युवक कांग्रेस की मेंबरशिप हम आज 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं जो 28 दिन चलेगी और ये हमारा सतत प्रक्रिया है क्योंकि भारतीय युवक कांग्रेस को राहुल जी जब से युवक कांग्रेस को देख रहे हैं उन्होंने इसको एक डेमोक्रेटिक बनाया है पूरे तरीके से संगठन को जिसमें सारे लोगों के लिए चाहे वो किसी भी जाति धर्म या किसी भी कैटेगरी से वो अमीर हो गरीब हो सब नौजवानों के लिए भारतीय युवक कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और इसी के तहत भारतीय युवक कांग्रेस में चुनाव की एक प्रक्रिया आई और उसको शुरू हम मेंबरशिप से करते हैं हमारा मेंबरशिप फॉर्म आज हमने लॉन्च किया है जिसमें एक एक्टिव मेंबर का हमने प्रावधान रखा है
एक जो एक्टिव मेंबर बनेगा उसको अपने साथ चार प्राइमरी मेंबर भी बनाने पड़ेंगे। ये टोटल पांच मेंबर बनकर एक एक्टिव मेंबर बनता है, जो कि हमारा विधानसभा की कमेटी, हमारे ज़िलों की कमेटी और हमारे प्रदेश की कमेटी का चुनाव करेंगे अलग अलग स्तर पर। और जहाँ तक नीचे लेवल तक की बात है कि आज जो नौजवान है इस देश का, उसकी आवाज़ को मजबूत करने और उसकी आवाज़ को ताकत देने के लिए राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं उसको, और सैकड़ों हजारों नौजवानों को राहुल जी ने इस जो ट्रांसफॉर्मेशन यूथ कांग्रेस का था इसके माध्यम से नेता बनने का मौका दिया है। देश भर में कई साथी जो इस चुनाव के माध्यम से, चाहे भले ही वो अध्यक्ष ना बने हों, नीचे की कमेटीज़ में रहें, उनको भी आगे बढ़ने के मौके मिले हैं, उनको MLA बनाया है, उनको संगठनों में बड़ी जगह दी है। तो ये एक पारदर्शी और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी इस संगठन में लेकर आए, उसके ज़रिए वो ताकत देना चाहते हैं इस देश के नौजवान को जो राजनीति करना चाहता है, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है, समाज में और लोगों की सेवा करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, उनके साथ जीना चाहता है। मेंबरशिप कितनी आपका करने का लक्ष्य है, कवायद कब तक पूरी हो जाएगी, यानी कि कैंडिडेट को अपना युवा अध्यक्ष बन जाएगा? हमारी मेंबरशिप मैं समझता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा अच्छी मेंबरशिप होगी, और इस बार अब हमारा टारगेट है कि 1,00,000 से ज़्यादा हम लोग दिल्ली में मेंबरशिप करें। 1,00,000 का मतलब हमारी 5,00,000 मिनिमम मेंबरशिप है, इससे ज़्यादा ही हम लोग मेंबरशिप करेंगे। ये अभी 28 दिन हमारा मेंबरशिप का ड्राइव चलेगा, 1 नवंबर से 28 नवंबर तक। इस दौरान हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जरिए मेंबरशिप करेंगे, तो दिल्ली के नौजवानों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो इस अभियान से जुड़ें और देश को बचाना और राहुल गांधी जी के साथ चलने का जो अपना सपना भी वो पूरा करें, और इस देश को बनाने का अपना सपना पूरा करें, ताकि वो नेता भी बने और नेता चुने भी।